जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव के पास दो मुहानी से साक्षी की तरफ जा रही ट्रेलर गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में चालक को गंभीर चोट आई, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। कदमा मरीन ड्राइव प्रतिमा नगर में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब एक अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना की जानकारी मिलते ही बस्ती वासी एकत्रित हुए और ड्राइवर को ट्रक से बाहर निकालने का प्रयास करने लगे, जिसमें एक युवक चोटिल हो गया, जिसे इलाज के लिए कदमा वीणा पानी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की मदद से चालक को एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कदमा पुलिस मरीन ड्राइव पहुंची और गाड़ी को जब्त कर लिया। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि चालक नशे में था, जिसकी वजह से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गई है। उन्होंने कहा कि गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। चालक को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। क्या हुआ? ये ड्राइवर की लापरवाही से हुआ है। क्या बता रहे लोग? लोग बता रहे हैं ड्राइवर की लापरवाही है। अच्छा, क्या कौन सा गाड़ी था? ये टेलर गाड़ी यही है। ये क्या चीज मारा है? कोई चीज नहीं मारा, कहीं डिवाइडर पर पार्ट पलटे करके डिवाइडर में चला दिया। लोग बता रहे नशा के हालत में, बता तो नहीं रहा, लेकिन कोई कह रहा है नशा पीता है। नशा किया हुआ था? अभी सब ठीक है? अभी ठीक है, गाड़ी हटाया जा रहा है। तो उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ ना? हल्का जख्मी हुआ था, ड्राइवर ट्रीटमेंट हो गया।